नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। इंडिया न्यूज़ राजस्थान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो राजस्थान में बीजेपी के पास तमाम मुद्दे हैं कांग्रेस को घेरने के लिए, कि महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है बीजेपी के पास, और पेपर लीक मामला है, लाल डायरी है, तमाम तरह के ऐसे मामले हैं जो बीजेपी जिन मुद्दों पर अब कांग्रेस को घेरती नजर आ रही है। लेकिन इस बीच महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है जिसका कहीं से भी कहीं तक हल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अब आंकड़ों की बात करें तो राजस्थान पीछे नहीं है आंकड़ों में। महिलाओं के साथ अत्याचार के मामले में, महिलाओं के साथ दुष्कर्म के मामले में, रेप के मामले में, या फिर इस तरह के मामले में जहां पर महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं, महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया जाता है, तो राजस्थान भी इस पूरी रेस में काफ़ी आगे है। और इसी कड़ी में एक ऐसा मामला और सामने आया है राजस्थान से, जहां पर अब कांग्रेस सरकार पर बड़े सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि अब एक बार फिर से युवती के साथ दुष्कर्म किया गया है, जिसमें और दुष्कर्म किया गया है उस गाड़ी में जहां पर जिस गाड़ी पर कांग्रेस प्रत्याशी के पोस्टर लगे थे। तो इसके साथ पूरी जानकारी आपको दे देती हूं कि राजस्थान के डिडवाना ज़िले में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप की वारदात सामने आई है, फिर से सामने आई है, और तीन आरोपियों ने सुनसान जगह ले जाकर नाबालिग लड़के संग घिनौनी वारदात को अंजाम दिया है। इसके बाद नाबालिग को बेहोशी की हालत में घर के बाहर पटक कर चले गए, और पुलिस की जाँच में पता चला कि लाडनू से कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश भाकर के प्रचार में शामिल कार में वारदात को अंजाम दिया गया। तो पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और एक नाबालिग आरोपी को हिरासत में ले लिया है। अब एक बार फिर से नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है डिडवाना से, जहां पर जानकारी के अनुसार सोमवार को पीड़िता ने अपने पिता के साथ लांडू थाना जाकर अपने साथ हुए गैंगरेप की रिपोर्ट लिखवाई, और नाबालिग ने पुलिस को बताया कि बीती रात तीन लोगों ने उसका अपहरण कर उसके साथ अब वो अपने साथ ले गए और दुष्कर्म किया। आरोपी उसे सुनसान जगह ले गए जहां पर उसके साथ गैंगरेप किया गया और बाद में बेहोशी की हालत में घर के बाहर छोड़कर फरार हो गए। तो पुलिस ने घटना को गंभीरता से लेते हुए उच्च अधिकारियों को मामले की सूचना दी, और साथ ही लाडनू पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल भी करवाया, और पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर जांच कराते हुए मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और साथ ही एक नाबालिग को हिरासत में लिया है। तो अब एक बार फिर से राजस्थान से ऐसा ही घिनौना मामला सामने आया है, इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहाँ पर एक नाबालिग के साथ फिर से गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। और इस बार आरोप ऐसे लग रहे हैं कि क्योंकि अब तक जो पुलिस की जांच में सामने आया है कि कांग्रेस प्रत्याशी का पोस्टर जिस गाड़ी में लगा था, उस गाड़ी में नाबालिग के साथ गैंगरेप किया गया है।